हेलो एवरी वन वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर वन ऑफ सिविक्स व्हाट इज़ डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी फॉर द क्लास नाइन्थ और अभी तक हमने देखा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है और दुनिया के कौन कौन से कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कहने को तो डेमोक्रेसी है बट इन रियल सेंस उनको हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं बोल सकते उसके बाद हमने रीड की थी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और उसके कुछ फीचर्स भी हमने पढ़े थे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए उसके बाद uh, हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए किसी देश में क्या डेमोक्रेसी uh, जो है दुनिया की दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं तो वो लोग uh, वो हम सब रीड कर रहे थे और हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि ये जो है ज़्यादा अकाउंटेबल है जवाबदेही ज़्यादा है क्योंकि जनता जो है रिप्रजेंटेटिव चुनती है और बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो जवाब दे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जनता को कि अगर कोई भी वो डिसीजन लेती हैं तो जनता उसका जवाब मांग सकती है तो दैट्स रीड द फर्दर there is another reason why democracy should lead a better decision than non-democratic government. democracy is based on the consultation and, and discussion. A democratic decisions always involves many people, discussions and meetings. when a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. Uh, this take ta this takes time, but there is a big advantage in taking time. Over the important decision this reduces the chances of ऑफ rash or irresponsible decisions. तो so, democracy जो है decision making uh, को कहीं ना कहीं improve improved डिसीजन आते हैं डेमोक्रेसी में क्योंकि डेमोक्रेसी में कि, केवल एक किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं है बहुत सारे पर्सनस मिलकर वो डिसीजन लेते हैं और उन पर बहुत बार विचार किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूवज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज देयर उसको डिस्कस करने के लिए उसको अपोज करने के लिए भी मैं कहूँगी अपोजिशन है तो हर चीज़ हर आस्पेक्ट उस डिसीजन का देखा जाता है बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मैथड to deal with difference and conflicts. तो so, डेमोक्रेसी का एक और हम बेनिफिट ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी जो है ऐसा मैथड है जिससे differences और कॉन्फ्लिक्ट uh, से भी जो deal करता है means डेमोक्रेसी में बहुत सारे differences आते हैं conflicts आते हैं but still बहुत सारी बहस होती है नेताओं के बीच but still वो उससे भी deal करता हुआ जो भी decision आएगा वो उससे परे होगा In any society, people are bound to have differences in opinion and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, religions and have different castes. तो हमारे जैसी country में जिसमें इतनी सारी diversity है, लोगों की language अलग है, लोगों का पहनावा अलग है, लोगों के रहने का तरीका अलग है, लोगों के standards अलग हैं। तो इस तरह की कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है ये बहुत बड़ी बात है दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस तो इन सभी डाइवर्स लोगों की प्रेफरेंसेस भी अलग होंगी और वो संसार को एक अलग नज़रिए से देखते हैं हाउ डू दे रिजोल्व सच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूटल पावर तो कॉन्फ्लिक्ट <clears throat> जो है वो ब्रूटल पावर से सॉल्व होते हैं ब्रूटल पावर मतलब Uh, कुछ भी पावरफुल अगर उनके सामने आएगा तो डेफिनेटली वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करेंगे विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विद डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट तो डेमोक्रेसी ये कहती है जिस भी ग्रुप uh, के पास मेजॉरिटी हो जिस भी ग्रुप का डिसीजन स्ट्रॉन्ग है वही uh, जो डिसीजन है वो एप्लीकेबल होगा उस समय बट दैट वुड लीड टू अ रिजेंटमेंट एंड अनहैपीनेस डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अवर डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम अब जरूरी नहीं कि जिस ग्रुप का डिसीजन नहीं माना गया तो वो खुश कैसे रहेगा उसको कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट होगा अंदर से उसको अनहैपीनेस होगी कि मेरा डिसीजन नहीं माना गया तो इसका भी सोल्यूशन है डेमोक्रेसी में नो वन इज परमानेंट विनर तो अगर किसी की सरकार आज बनी है ज़रूरी नहीं कि छः साल बाद भी वो सरकार को रिपीट किया जाए तो डेमोक्रेसी इसी का हमें सोल्यूशन देती है कि जो लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट से ना खुश हैं वो अगले प्लान में गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं दे हैव द राइट कि वो अपनी वोटिंग पावर का यूज़ करके जो है सरकार को बदल दें इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आर कंट्री टुगेदर

डिसीजन uh, मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है या फिर मैं कहूँ कि इसमें जो है चेंज कर सकते हैं हम जो गवर्नमेंट है उसको डिफरें difference, डिफरेंसेस uh, और कॉन्फ्लिक्स के साथ जो है डील करती है डेमोक्रेसी अब जो है डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल uh, है वो हम लोग रीड करेंगे इवन इफ डेमोक्रेसी डिज़ नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट इट इज़ स्टिल अ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन्हांसिस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजनस कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है uh, वहाँ रहने वालों की डिग्निटी को इनहानस करती है एज वी डिस्कस अब डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल इक्वलिटी क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो प्रिंसिपल क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रिंसिपल पोरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड है सेम स्टेटस एट द रिच एंड द एजुकेटेड तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो पुअर पीपल हैं जो पुअरेस्ट हैं उनको भी सेम वही अधिकार है जो कि एजुकेटेड और हाई कास्ट पीपल को है तो ऐसा नहीं है कि जो पुअर पीपल हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है या जो लोअर क्लास पीपल हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है सभी को ही <coughs> सभी के पास एक वोट है और वो उसको इक्वली यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट uh, को चुनने के लिए दे आर द पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ रूलर दे आर द रूलर्स दैम सेल्व्स इवन वेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट तो कहते हैं लोग रूलर नहीं हैं लोग रूलर को चुनते नहीं हैं बल्कि लोग खुद रूलर है जि, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ चुने जाते हैं गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं में से ही हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिवस को चुनने के लिए चुनने में कोई गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती भुगतनी होगी और उसको नेक्स्ट प्लान तक हमें झेलना होगा फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज़ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स तो आ, हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें डेमोक्रेसी अलाउ करती है अपनी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए सुधारने के लिए कैसे कि अगर हमने एक बार एक गलत इंसान को चुना है अपना रिप्रेजेंटेटिव तो भविष्य में हम उसको दोबारा नहीं चुनेंगे क्योंकि हमने देख लिया है उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है या फिर वो जनता की भलाई के लिए काम करता है या नहीं एज वी सो अब देर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स cannot cannot बी मेड इन डेमोक्रेसी नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द advantage इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स cannot बी हिडन फॉर लॉन्ग there is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed this cannot happen in any non uh, can in a non democratic government so democratic government ka ek fayda hai ki agar जो हमने ruler चुन लिया है वो हमारे according नहीं चल रहा है जो citizens हैं उनके according नहीं चल रहा है या फिर उसके डिसीजन जो है वो जनता के खिलाफ है तो जनता उस पर आर्ग्यूमेंट्स कर सकती है पब्लिकली बोल सकती है कि आप जो है ये डिसीजन अपना चेंज कीजिए अगर उसने चेंज ना किया तो या तो वो डिसीजन चेंज करेगा अदरवाइज जनता जो है गवर्नमेंट ही चेंज कर देगी तो लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम ये सब नहीं कर सकते वहाँ पर सिटीजनस को इतने राइट्स नहीं है लेटे समिट समिट अप डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरी थिंग एंड इज नॉट दोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मान लिया कि कई बार डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसमें uh, रजामंदी चाहिए को, कोई भी डिसीजन लेने के लिए लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इट ऑफर्स बेटर चांसेज of a good decision, it is likely to respect people's ऑन wish. ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों की अपनी विश को ध्यान में रखकर ही डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिए जाते हैं एंड इट अलाउज डिफरेंट kinds ऑफ पीपल टू लिव together. तो बहुत जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको इकट्ठा रहने में डेमोक्रेसी मदद करती है क्योंकि उन सब की व्यूज़ जो हैं इंपॉर्टेंट है इवन व्हेन इट फेल्स टू डू समीज थिंग्स इट अलाउज़ अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को जो है बहुत डिग्निटी दी दी जाती है डेमोक्रेसी में कि वो जो है अपना डिसीजन अगर एक बार गलत लिया भी गया तो वो नेक्स्ट प्लान में अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बाद हम टॉपिक uh, पे आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की और इलेबोरेट करके उसका मीनिंग जो है हमें किस तरह से समझ आया है इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्ट्रक्टिव सेंस वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस द वे ऑफ डिवाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्पअ थ्रू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आर टाइम्स इज दैट रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको हम कह सकते हैं रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है हम अपना रिप्रेजेंटेटिवस चुनते हैं अलग अलग लेवल पर चुनते हैं तो सबसे अच्छी फॉर्म जो है डेमोक्रेसी की वो यही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं हम उसको Uh, you यू हैव ऑलरेडी about अबाउट दिस इन द classes in इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल पीपल डू नाट रूल बहुत सारी कंट्रीज़ में हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है लेकिन सारे लोग रूल नहीं करते और नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है सभी लोग जो हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते गवर्नमेंट में मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल तो ये सारे लोग जो हैं कुछ एक आ, लोगों को चुनते हैं और वो उनकी तरफ से डिसीजंस लेते हैं इवन अ मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज अब ये जो मेजॉरिटी है ये भी शायद डायरेक्ट रूल ना कर पाए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए तो ये मेजॉरिटी भी अपना एक लीडर चुनती है आगे जाके जो उनको रिप्रेजेंट करता है और फिर उसके थ्रू गवर्नमेंट चलती है

हम जो है इकट्ठे बैठकर कोई डिसीजन ले पाएँ या इकट्ठे बैठकर हम कोई भी uh, फ़ैसले पर पहुंच पाए और देश के लिए कुछ भी अच्छा कर पाए तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल हैं तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है उसके बाद है इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज़ नॉट हैव टाइम द डिज़ायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसंस तो और एक और बार है ज़रूरी नहीं कि देश के सारे सिटीज़न्स में वो स्किल हो या वो डिसीज़न मेकिंग की पार हो कि वो देश को चलाने के लिए अपना योगदान दे सके और इतना टाइम भी नहीं सिटीज़न्स के पास सिटीजन्स तो अपनी जॉब्स कर रहे हैं सिटीज़न्स अपने कामों में लगे हुए हैं तो देश पूरे देश का कार्यभार संभालना ये सिटीजन्स के बस की बात नहीं है तो इसलिए भी उनको इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करवाया जाता है इलेक्शन जो है पाँच या छः साल में होते हैं और उन्हें वोट कास्ट करना होता है उसके बाद उनके रिप्रजेंटेटिव देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना है दिस गिव्स a अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी from नॉन democracies बट इट does नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी तो कहते हैं हमें ये तो समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती होती है बट एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में अभी भी डिफरेंस है इट नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तो इसके लिए हमें कुछ डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग पढ़ना होगा समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में और क्या है वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली वेन एवर डिसीजन हैज टू टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस My opinion मैटर्स एज मच एज my फादर्स तो ये जो है एक ये एक ऐसी फैमिली के बारे में बात हो रही है वो कहता है कि हमारी फैमिली में डेमोक्रेसी है हम सारे इकट्ठे बैठते हैं और मेरा डिसीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेरे फादर का यानी हर मेम्बर जो है वो इक्वली uh, मैं बोलूँगी इक्वली इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में उसके बाद है आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नाट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस क्वेश्चन इन द क्लास उसके बाद है कि मुझे ऐसे टीचर्स पसंद नहीं हैं जो बच्चों को क्लास में कुछ पूछने ही नहीं देते आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मुझे तो ऐसे टीचर्स पसंद है जिनमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो यानी जो सबको इक्वल चांस दे प्रश्न पूछने का उसके बाद है वन लीडर इन हिज़ फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरी थिंग इन पार्टी हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी अब कहते हैं कि एक ही मेंबर जो है वो पूरा uh, कुछ भी एक पार्टी का सब कुछ डिसाइड कर लेता है तो हम कैसे कह सकते हैं ऐसी ऐसी फैमिली में कि डेमोक्रेसी है दीज वेज़ ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ मैथड ऑफ टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेसन विद अ कॉन्सटेंट ऑफ ऑल दोस्ट हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन तो डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी उन सभी लोगों की सहमति है जिनको वो डिसीजन अफेक्ट करने वाला है तो हम कह सकते हैं कि अबव स्टेटमेंट में जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी उसको हम पूरी तरह से गुड डेमोक्रेसी बोल सकते हैं दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन दस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पीयर ऑफ लाइफ समटाइम्स वी यूज़ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिटिंग गवर्नमेंट बट टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट वे दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम तो कुछ एक स्टैंडर्ड हैं जिसको अचीव करने के लिए सभी डेमोक्रेसीज दे को uh, प्रयास करने चाहिए तो वो क्या है जो सच्ची डेमोक्रेसी है जो अच्छी डेमोक्रेसी है वो क्या हो सकती है ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वेन नो वन गोज हंगरी और बेड और हंगरी टू बेड तो सही में डेमोक्रेसी तब आएगी जब हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा उसके बाद है इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में हर एक जो सिटीजन है उसका रोल इक्वल है डिसीजन मेकिंग में For this you don't need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education and equal resource and a lot of commitment. बहुत बड़ी बात है कि केवल vote करने का अधिकार हमने दे दिया that doesn't mean कि democracy है। हमें सभी नागरिकों को अच्छा खाना देना होगा at least उनको basic necessities जो हैं उनकी पूरी करनी होगी। और उनको बेसिक uh, एजुकेशन देनी होगी उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि क्या चल रहा है देश में सिर्फ ये नहीं कि वोट uh, का का बेस है कि वोटिंग का अधिकार हमने दे दिया तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं नो इट्स नॉट लाइक दैट बल्कि सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने होंगे

अगर हम इन प्रिंसिपल को ध्यान से देखें तो क्या हमारे देश में कोई भूखा नहीं है क्या हमारे देश में कोई अनएजुकेटेड नहीं है क्या हमारे देश में सभी लोगों को इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो जवाब आएगा नहीं तो इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं दुनिया के किसी भी देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी अभी तक सेटअप नहीं हुई है डेमोक्रेसी एट आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी इन दिस बुक वी डू नॉट Uh, deal much with this expanded notion of democracy our focus is here with uh, some core institutional feature of democracy as a form of government so this book may as a form of government jo democracy features chapters at this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life that democracy can take many forms uh, there can be various ways to Uh, of taking decision in democracy democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted to yahi kaha gaya hai कि uh, democracy में जो decision making है वो equal basis पर होना चाहिए सभी uh, लोग जो हैं वो उसमें equally participate करें और उनका decision भी important हो Today's world is ruled through the people's elected representatives. We shall read more about uh, that in chapter three. But is the commu uh, community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decision directly. This is how the gram sabha should work in a village. Can you think of some other democratic way of decision making? So, gram sabha ko ek example mana hai. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का तो ग्राम सभा में सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं और गाँव के जो डिसीजंस हैं वो डिसाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा में डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है दिस ऑल्सो मीन दैट नो कंट्रीज प्रेफर डेमोक्रेसी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट मेक इट एन आइडल that does not make it an ideal democracy every democracy has to try to realize that ideals of democratic decision making this cannot be achieved only once uh, and for all to हरे कंट्री कोशिश कर रही है अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की बट अभी भी बहुत सारे कमियां हैं uh, उनमें तो अभी भी आइडियल डेमोक्रेसी बनने में बहुत दूर हैं कंट्रीज एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग तो उन्हें हर कंट्री को देखना चाहिए कि आइडियल क्या है डिसीजन uh, मेकिंग के क्या आइडियल हो सकते हैं और कैसे डिसीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेयर हो सकता है सिटीजन्स के लिए दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ

क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की पावर या रिप्रेजेंटेटिव चुनने की पावर जो है वो सिटीज़न्स पे है तो सिटीजन्स अगर अपना डिसीजन अच्छे से लेंगे तो डेफिनेटली कंट्री को जो है अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और वो कंट्रीज को कंट्री को अच्छे से चलाएंगे दिस व्हाट्स व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स तो यही बात है ये जो रिप्रजेंटेटिव uh, चुनने की बात है यही बात है जो अदर कंट्रीज से अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अलग करती है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मनारकी डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर्ड ऑल सिटीज़न टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स तो अगर हम दूसरी फॉर्म्स की बात करें मनार्की है या फिर वो वन पार्टी सिस्टम है या डिक्टेटरशिप है तो उसमें कहीं ना कहीं सिटीजन्स को सिटीजन्स uh, का जो डिसीज़न होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता वो अपने आप ही सरकारें चुन लेती हैं और अपने आप ही वो रूलर्स बन के बैठ जाते हैं तो उसमें सिटीजन्स का uh, की इम्पोर्टेंस जो है कहीं ना कहीं उतनी नहीं रहती uh, देश में इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीज़न्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो बिल्कुल इस चीज़ को uh, खारिज करती हैं कि सिटीज़न्स को uh, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए इनफैक्ट मोस्ट uh, ये हो गया है बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अचीव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स लेकिन डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है कि सभी लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए गवर्नमेंट को अदरवाइज अच्छी गवर्नमेंट नहीं चुनी जाएगी दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है Uh, अगर हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सरकारें चुनी जाती हैं और क्या क्या हमारे राइट्स हैं और सरकार के क्या क्या राइट्स हैं और हम जो हैं सरकार की पार्स को कैसे लिमिटेड कर सकते हैं ये सब एक सिटीजन्स को सिटीज़न को पता होना चाहिए तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हम यहीं पर रीडिंग फिनिश करते हैं होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी